हेलो एवरीवन, वेलकम इन खाओ बनाओ 96। यहाँ पे आप लोग के लिए मैं तरह तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेसिकली आप लोग थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो हम लोग बनाने वाले हैं सीधा, और क्या क्या इंग्रेडिएंट हम लोग डालने वाले हैं उसमें वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले एज यूजुअल मैं जो पनीर बनाता हूँ इसका पूरा रेसिपी आई है। तो हम लोग इतना पनीर ले लेंगे, पनीर ऐड करेंगे। ये जो पनीर है ये हम लोग का घर पर बनाया हुआ है। ओके, आप लोग ऐसे बना सकते हो, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। क्या क्या इंग्रेडिएंट रहेंगे, थोड़े ब्लैक पेपर लगेंगे, ये मोजरेला चीज़ है, या वो चीज़ या फिर अमूल का चीज़ कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये अनियन है, ये कैप्सिकम देख रहे होगे आप लोग, ये टमाटो है। ठीक है, यहाँ सॉसेस पे हम लोग के बस कुछ सॉसेस हैं जो मेयोनीज सॉसेस हैं, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस एज यूजुअल। ये वीवा के दो तीन सॉसेस हैं जो थोड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं। बेसिकली मैं बर्गर में भी यूज़ करता हूँ, पिज़्ज़ा में भी यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा नमक बस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पिज़्ज़ा का बेस है वो हम लोगों ने परचेस किया है, हम लोग ने घर पे नहीं बनाया है। पनीर काटने वाले हैं, इसको स्मॉल स्मॉल पीस में काटना है हम लोगों को, क्योंकि जो पिज़्ज़ा में डालने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, आप लोग देख सकते हो गे स्मॉल स्मॉल पीसेस मैंने काट लिया है। ये पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बनने वाला है गाइज, वीडियो मिस मत करना, स्किप मत करना, दूसरे वीडियो पे जंप नहीं होना। ये हम लोग का पनीर रेडी है। ओके, तो इतना पनीर इनफ है, पनीर निकल चुका हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेस है इसको हाफ से डिवाइड करेंगे, जिससे तो बेसिकली हम लोग ने हाफ हाफ से कट कर लिया हुआ है। हम लोगों को हल्का हल्का टोस्ट करना है बहुत केयरफुली, बिकॉज टूट ना जाए बेस, बिकॉज एज यू नो बेसन मैदे का बेस है, तो हम लोग को टूटने का डर है, इसलिए हम लोग इसको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। ओके, तो हमारा सारा जुगाड़ जो रहेगा वो यहीं पर ही है, पर ऐसे ही ऐसे हमें सब अपना काम कम्प्लीट कर रहे हैं, हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे का काम प्रोसेस करेंगे। ये देखिए कितना प्रॉपर कटा हुआ है ये हाफ से। ठीक है, हम लोग ने गैस के फ्लेम को ऑन करके इस पर हम लोग ने अपना पतला वाला बेस हीट भी कर लिया है, उसको साइड में रख लिया। अभी हम लोग आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, जैसे ओवन गर्म रहता है 200 डिग्री, वैसे हम लोग अपना जुगाड़ का ओवन गर्म करेंगे। तो दैट इज जुगाड़ वाला ओवन। ठीक है, तो स्लो पे गर्म रहने देंगे, आगे का प्रोसेस हम फटाफट चालू करेंगे। वो सबसे पहले ऐड होगा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ठीक है, थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आप लोगों को लेना पड़ेगा, इसमें हम लोग को थोड़ा सा मेयोनीज डालना पड़ेगा, और ये थोड़ा क्विक करना पड़ेगा नहीं तो आपका ब्रेड खराब हो जाएगा। तो मुझे बोलिएगा मत कि मैंने बताया नहीं, मैंने बताया था। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे स्प्रेड हो चुका है ये हर जगह, धीरे धीरे करके इसको पहुंचाना है। इसको देखो थोड़ा सा केयरफुली, बिकॉज ऐसे साइड साइड में लग सकता है। ये बेसिकली डबल चीज बस पिज़्ज़ा है विद पनीर एंड ऑनियन कैप्सिकम, और टमाटो भी मैंने ऐड किया बिकॉज टमाटो मेरे को अच्छा लगता है। आपके मनपसंद वेजिटेबल्स आप लोग ऐड कर सकते हो। आप लोग देख रहे होगे मैं अभी इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया। चीज़ ज़्यादा क्वान्टिटी में मत डाल देना, बिकॉज क्या होता है चीज़ फिर लीकेज चालू हो जाता है। आप ओवन में बनाओगे फिर भी ऐसे ही होगा, वही रूल अप्लाई होते हैं। अगर नॉर्मल है तो भी आपके वही रूल अप्लाई होते हैं। सिंपली भी मैं क्या करूँगा, मेरा फर्स्ट बेस है वो इस पे ला के ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी मेरा सेकेंड प्रोसेस फिर से सेम रिपीट होगा, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये इतना पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल रहा है ख़राब हो जाएगा, ये वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग इस पर मेयोनीज ऐड करेंगे, और दो सॉसेस हैं वो ऐड करेंगे। सिंपली ये सब सॉस जो हैं इसके मैं डिस्क्रिप्शन से मैं लिख के दे दूँगा, आप लोग सेम वो ऐड कर सकते हो। आप लोगों को मैं भी दिखा देता हूँ, ये सैंडविच स्प्रेड है। ओके, ये मेयोनीज सॉस एंड पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मैंने बताया आपको। ठीक है, ये मैंने हल्का हल्का स्प्रेड कर दिया है हर जगह। और ओवन में अगर आप लोग बना रहे हो तो आपको 200 टेम्परेचर पे जाके 10 मिनट तक इसको बनाना रहेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग हमारा मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे ढेर सारा, क्योंकि ये ऊपर का बेस है, यहाँ पे हमारी मर्जी चलेगी, चीज़ की मर्जी नहीं। ओके, मोज़रेला चीज़ हम लोग ने ऐड कर दिया है। अब ये हमारा पनीर गया,
हमारे पास स्टफिंग ज़्यादा है, ब्लैक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट ब्लैक पेपर का बहुत अच्छा होता है। अभी हम लोग अनियन ऊपर से डालेंगे, हम लोग कैप्सिकम ऊपर से डालेंगे। सब लोग बोल रहे होंगे कि इसको ऊपर से क्यों डाला, बिकॉज चीज़ जब हीट होता है तो ये सारे आराम से पक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और वैसे भी बहुत पतला मैंने काटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे बटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों, ये हम लोग को ऐड करना ही पड़ेगा। आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अमूल गोवर्धन जो भी बटर आपको अच्छे लगते हैं आपको सिंपली रखना है, इसमें कुछ मिक्सिंग या मिलाना नहीं है। और ऊपर से यहाँ पे देखो मैंने बटर रख दिया है, और अभी सिंपली मैं क्या करूँगा, थोड़ा जो चीज़ मेरा बचा हुआ है वो मैं मेरे जितने वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर रख दूंगा, जिससे नीचे और ऊपर से ये एकदम चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा लगे। अब चारों एंगल से मैं आपको दिखाता हूँ कि पिज़्ज़ा कैसा लग रहा है, उसके बाद हम लोग इसको बनाने के प्रोसेस पे जाते हैं। गाइस कमेंट में ज़रूर लिखना, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल्स को, सो दैट हम लोग भी अभी सिंपली मैं क्या करूँगा, मेरे ओवन में, जुगाड़ वाले ओवन में थोड़ा सा तेल लगा के मैं पकने के लिए रख दूंगा। मैंने इसलिए रखा है, बहुत केयरफुली करना है मुझे, बिल्कुल भी मुझे हाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज मेरा पिज्ज़ा अगर टूट गया तो ये वीडियो भी ख़राब हो जाएगा और आप भी मेरे से डिसअपॉइंट हो जाएंगे। वीडियो बनाने के लिए बोला और इसने क्या बना दिया। आप लोग चारों एंगल से देख लीजिए, हीट है ये, अभी ये हीट है, आपको चारों एंगल से देख लीजिए कि जो पिज्जा का बेस है वो मैंने किस हिसाब से रखा है। नीचे से दिखाइए, स्लो आंच पे आपको बनाना है। ओके अभी हम लोग 10 मिनट तक वेट करते जब तक ये बन रहा है। 10 मिनट बाद हम सो हेलो एवरीवन, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, मुझे स्वेट भी हो रहा है थोड़ा, बिकॉज थोड़ा वार्म है। मैंने दूसरा पिज्ज़ा भी रेडी कर लिया है, इसको क्लोजर ले लो थोड़ा सा। इसको भी सिमिलर मैनर में बनाया मैंने, ढेर सारे वेजेस डाल के, ऐसा हम लोग नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में तो नहीं बोल सकते, बट घर पे तो मैं एज यूजुअल पनीर वनीर जो चाहिए वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जस्ट ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत हीट है ये, वाओ दैट्स सो अमेजिंग, यू कांट इमेजिन हाउ स्मेल इज कमिंग, आई मीन स्मेल बहुत अच्छा है। आप लोग बेस देखो, बेस भी अच्छे से पक गया है एंड एकदम जबरदस्त टेस्ट लगेगा मुझे लग रहा है ऐसा। तो हम लोग 5 मिनट और रखेंगे, उसके बाद कट करके आपको दिखाएंगे कैसा है। ओके हम लोग पिज्जा हम लोग का रेडी है, हम लोग निकालेंगे उसको जुगाड़ से, एज पिज्जा का नाम जुगाड़ पिज्जा है, मतलब नाम तो दूसरा है। आप लोग देखिएगा बेस में हल्का फुल्का लगता है ऐसे, तो मैं इसको साइड रख देता हूँ और मैं दो चक्कू के हेल्प से, देख रहे हो आप लोग बहुत ही केयरफुली मुझे उठा के इसको यहाँ पे रखना है। अभी यहाँ पे मैंने इसलिए रखा बिकॉज मुझे सेकंड पिज्ज़ा भी ऊपर रखना है। तो हम लोग ये बटर थोड़ा सा ऐड कर देंगे, एज यूजुअल हम लोगों ने पिछले बार भी किया था। अब ये तवा बहुत अच्छा सा गर्म है, अब यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं चाहिए हम लोगों को, ना मुझे ना आपको, और ये हम लोग बहुत केयरफुली रखेंगे। हम लोग फिर पिज्ज़ा रखने वाले हैं, एक साइड पर रख लिया, दूसरे साइड से स्लोली 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 रख दिया। ठीक है, तो हम लोग का जुगाड़ बेसिकली काम कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर से ढकेंगे 10-15 मिनट के लिए। हमारे को चेंज नहीं लग रहा होगा बिकॉज उतना ज़्यादा रोस्ट नहीं होता यहाँ पे, बट मैं मलाई पनीर ऐड कर रहा हूँ, देख लो। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा हो सकता है ये। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इसका एक्चुअल टेस्ट कैसा है, ये जो हम लोग ने बनाया है ये अच्छा है भी या नहीं है, रिकमेंड कर। सो हम लोग का पिज्ज़ा रेडी है और मैं अंदर अपना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ही रेडी हुआ वैसे फटाफट लेके आए। ये मेरा ऑरिगैनो, ये मेरा चिली फ्लेक्स, ये मेरा सॉस वहाँ से नहीं छुपा था, इसको ऐसे उठाएंगे, देख रहे हो आप लोग कितना लोडेड है। ओह माय गॉड, ये वाला इसका नीचे का बेस है, इसको नीचे ही करके खाऊं गाइस, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। आप लोग ट्राई कीजिए और आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा। ठीक है, टेक केयर, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, ऐसे टेस्टी टेस्टी फूड मैं आपको बताते रहूँ, आप लोग बनाते रहिए, घर पे सब लोगों को खुश करते रहिए। ओके गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।